23 सितंबर 2014 को वेब दुनिया के 15 साल पूरे होने वाले हैं और एक अनूठी अनोखी यात्रा के 15 साल भी पूरे होने वाले हैं। तकनीकी रूप से जो काम वेब दुनिया ने किया है पिछले 15 सालों में वो शायद हिंदुस्तान के अंदर भारतीय भाषाओं के लिए हिंदी के लिए किसी भी और संस्था ने कभी नहीं किया। पिछले 15 सालों से न सिर्फ भारतीय भाषाओं के अंदर अलग अलग किस्म के कंटेंट वेब दुनिया ने बनाए बल्कि भारतीय भाषाई कंप्यूटिंग की दिशा में जो काम वेब दुनिया ने किया वो भी बहुत अनोखा है। ऐसा अलग एक ऐसा जागरण वेब दुनिया ने जगाने की कोशिश की जिसके माध्यम से दुनिया की उन तमाम सही बड़ी सी कंपनियों को माइक्रोसॉफ्ट हो गूगल हो सैप हो नोकिया हो सैमसंग हो उन सभी को भारतीय भाषाओं के अंदर काम करने का मौका मिला और उन सभी के इंटरफेस पे भारतीय भाषाओं का बखूबी पदार्पण हो सका। इस काम के लिए दुनिया ने अनूठा योगदान दिया। पिछले 15 सालों में ऐसे अनेक पड़ाव और कीर्तिमान हैं जो वेब दुनिया के नाम हैं और जो इस मौके पर मुझे कुछ याद आते हैं उनके अंदर हर ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब भी कोई नया प्लेटफॉर्म तकनीकी दुनिया के अंदर में आया है चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो चाहे वो टैबलेट हो हर उस नए उपकरण के ऊपर किस तरह से भारतीय भाषाएं आ सकती है इसे वेब दुनिया ने एक युद्ध की तरह लड़ा और उसमें तकनीकी रूप से जीत भी हासिल करी। बहुत खुशी होती है जब हर किसी नए उत्पाद के ऊपर में किसी उपकरण के ऊपर में दुनिया के नामचीन उपकरण के ऊपर में जब भारतीय भाषाओं को हम देखते हैं और उसमें आम आदमी को उसके अंदर में टाइप करते हुए उसके अंदर में संभाषण करते हुए देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। अक्सर दुनिया में इंदौर के नाम के लिए इंदौर कई चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इंदौर को किसी विशेष विशेषण की ज़रूरत नहीं है लेकिन बहुत खुशी होती है जब लोग ये कहते हैं कि अच्छा इंदौर वो जगह जहाँ वेब दुनिया का हेडक्वार्टर है तो सुन के बहुत खुशी होती है अपना सीना भी 56 इंच का हो जाता है। मैं पुनः सभी को इस 15वीं वर्षगांठ के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वेब दुनिया रोज नित नए आयाम बनाता रहेगा और भाषाई कंप्यूटिंग के क्षेत्र में रोज नई नई ऊंचाइयां छूता रहेगा।